एवरीवन, वेलकम बैक टू बेलास किचन कॉर्नर। दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको कि चाइनीज़ खाना पसंद ना हो। मुझे तो खासकर ये बहुत पसंद है और मेरे फैमिली को भी बहुत ज़्यादा पसंद है चाइनीज़ फूड। तो आज मैं आपके लिए चाइनीज़ मील की एक रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए बनाऊँगी हनी चिली फिश और वेज फ्राइड राइस। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, इस रेसिपी को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आप भी हर बार एकदम परफेक्ट ये डिश बनाकर तैयार कर पाएंगे। तो चलिए, इससे पहले कि रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे लगे नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करके उसे ऑल कर दें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको सबसे पहले और इमीडिएटली मिल जाए। तो चलिए, बिना किसी देर के बनाना शुरू करते हैं वेज फ्राइड राइस और हनी चिली फिश। तो पहले हम बनाएंगे हनी चिली फिश। हनी चिली फिश बनाने के लिए हमें चिली पेस्ट चाहिए होगा, तो इसको हम घर में ही बनाकर तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पे 5 साबुत लाल मिर्च ले लिया है, उसको मैं पानी में सोख करके करीब 2 घंटे के लिए रख दूंगी और 2 घंटे बाद हम इसका पेस्ट तैयार करेंगे। तो थोड़ा सा पानी हम इसमें रख लेंगे, बाकी पानी को हम निकाल देंगे। इसको मैं ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और इसी में से थोड़ा सा पानी मैं ग्राइंडर जार में डाल दूंगी और अब हम इसका एक फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए, ये हमारा चिली पेस्ट बिल्कुल तैयार है। इसको साइड में रख लेते हैं और अब मैंने यहाँ पे ले लिया है 1/2 किलो बासा फिले। आप चाहे तो बासा फिश की जगह किसी और फिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको मैं क्यूब्स में काट लूँगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने इनको काट लिया। बहुत आराम से कट जाता है क्योंकि इसमें कोई बोन नहीं है। तो अच्छे से इसको मैंने क्यूब्स में काट कर तैयार कर लिया है। तो ये बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई करें इसे बनाकर। तो देखिए, इसको बासा को मैंने काट कर तैयार कर लिया है। अब मैं इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी और अब मैं इसमें डालूँगी 1/2 छोटा चम्मच नमक। इसके बाद मैं डालूँगी 1 छोटा चम्मच रेड पेपरिका पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच वाइट पेपर पाउडर और आखिरी में मैं डालूँगी 1 बड़ा चम्मच लेमन जूस। आप चाहे तो इसकी जगह विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अच्छे से हम इन सबको आपस में मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से आपने फिश के सारे पीसेस को इनसे कोट कर लेना है। तो बहुत ही सिंपल मैरिनेशन है और अब हम फिश को करीब 15 मिनट के लिए इसमें मैरिनेट होने देंगे और तब तक हम बैटर की तैयारी कर लेते हैं। तो बैटर के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 8 बड़े चम्मच रिफाइंड फ्लावर और 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर। इसमें मैं डाल दूंगी 1/2 छोटा चम्मच नमक, 1/2 छोटा चम्मच रेड पेपरिका पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर। अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे और अब इसमें डालूंगी 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। इसको भी हम अच्छे से इसमें मिला लेंगे और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए एक थिक बैटर बनाकर तैयार कर लूँगी। पतला बैटर नहीं बनाना है आपने, बैटर जो है थोड़ा सा थिक होना चाहिए, कोटिंग कंसिस्टेंसी वाला बैटर होना चाहिए। तो देखिए, ये मैंने ये बैटर बनाकर यहाँ पे तैयार कर लिया है। तो इसी तरह की कंसिस्टेंसी वाला बैटर आपने बनाकर तैयार करना है। अब मैं मैरिनेटेड फिश को इसमें डाल दूंगी। तो देखिए, अच्छे से हमने सारे फिश के पीसेस को इससे कोट कर लेना है और अब हम इस फिश को फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने पैन में थोड़ा सा तेल गर्म कर लिया है। अच्छे से गर्म हो जाने दें इसे और फिर तैयार फिश को हम इसमें डाल देंगे और अब हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। हर तरफ से ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाना चाहिए और फिश को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी पककर तैयार हो जाता है। तो इसी तरह से बीच बीच में इसको पलटते हुए हमने इसको फ्राई करना है ताकि ये हर तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो देखिए, धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो रहा है और ये काफ़ी क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। तो बहुत ही क्रिस्पी हमारा ये डिश जो है बनकर तैयार होने वाला है। तो देखिए, ये अच्छे से इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और ये अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है। तो चलिए, इसको हम निकाल लेते हैं। तो इसको एक नैपकिन पेपर में मैं निकाल लूँगी ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो नैपकिन पेपर जो है वो एब्जॉर्ब कर ले। देखिए कितना क्रिस्पी लग रहा है हमारा ये फिश, ये बिल्कुल तैयार है। और इसी तरह से मैं बाकी बैचेस को भी अच्छे से फ्राई करके निकाल लूँगी। तो ये हमारा फिश फ्राई होकर बिल्कुल तैयार है। तो सारे फिश को मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिया है। इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख लेते हैं और जिस पैन में मैंने फिश को फ्राई किया था उसमें मैं थोड़ा सा तेल रहने दूँगी। उसमें मैं डाल दूँगी 2 बड़े चम्मच चॉप्ड गार्लिक और 2 बड़े चम्मच चॉप जिंजर। अच्छे से इसको हम फ्राई कर लेंगे। उतना ही फ्राई करना है जब तक कि इसका जो कच्चापन है वो चला ना जाए, हमने इसको ब्राउन बिल्कुल नहीं करना है। तो इसी तरह से चलाते हुए हम इसको थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे और अब मैं इसमें डाल दूंगी 1/4 कप चॉप्ड ग्रीन अनियन। इसका हमने व्हाइट पोर्शन भी डालना है। तो अच्छे से हम इसको थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे इसमें और इसको थोड़ा सा सॉटे करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी तैयार किया हुआ चिली पेस्ट। मैं यहाँ पे 2 छोटे चम्मच चिली पेस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा और डाल सकते हैं, मेरे बच्चे नहीं खाते हैं ज़्यादा इसलिए मैं कम ही डाल रही हूँ। और उसके बाद मैंने डाल दिया 1/2 छोटा चम्मच नमक और 2 बड़े चम्मच डार्क सोया सॉस। उसके बाद मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच हनी। अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो हनी 1 चम्मच ही डालें, मैंने यहाँ पे 2 चम्मच डाला है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और अब मैं इसमें डालूंगी
एक बड़ा चम्मच व्हाइट विनेगर और एक छोटा चम्मच व्हाइट पेपर पाउडर, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा सॉस बिल्कुल तैयार है, हनी चिली सॉस। और अब मैं इसमें तैयार किए हुए जो फ्राई किए थे हमने फिश के पीसेस, उसको मैं इसमें डाल दूंगी। और इसको डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से टॉस करेंगे। जितने भी फिश के पीसेस हैं वो अच्छे से सॉस से कवर हो जाने चाहिए। अगर आप टॉस करने में कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप बहुत जेंटली इन पीसेस को सॉस के साथ कवर कर दीजिए। और अब मैं इसमें डालूंगी कॉर्नफ्लावर स्लरी। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर को 4 बड़े चम्मच पानी के साथ मिलाकर एक पेस्ट पर तैयार कर लिया था, उसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और अब हम इसे जेंटली मिक्स करते हुए हाई हीट पर तब तक पकाएंगे जब तक कि सॉस थोड़ा थिक ना हो जाए। ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच व्हाइट सेसमी सीड्स और थोड़े से चॉप किए हुए ग्रीन अनियन। आप इसे बिना कॉर्नफ्लावर स्लरी ऐड किए ड्राई भी सर्व कर सकते हैं एज अ स्नैक या फिर एज अ साइड डिश। तो ये बिल्कुल तैयार है। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। और अब हम वेज फ्राइड राइस बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पतीले में ले लिया है करीब 6 गिलास पानी, उसमें मैंने डाल दिया है 1 छोटा चम्मच नमक और 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल। अच्छे से मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। और अब हम इसमें थोड़ा सा बॉईल आने देंगे। और मैंने पहले ही 1 कप चावल को पानी में भिगोकर करीब 30 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो इसको 30 मिनट हो चुके हैं और हमारे पानी में भी अच्छे से बॉईल आ गया है। तो अब हम इस तैयार चावल को इसमें डाल देंगे और अब हम चावल को इसमें अच्छे से पकने देंगे। जैसे आप नॉर्मल चावल पकाते हैं उसी तरह से आपने इसको भी पकाना है। बस बहुत ज़्यादा आपने चावल को ओवर कुक नहीं होने देना है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। बीच बीच में आप इसे चलाते रहें और जैसे ही चावल ऊपर की तरफ तैरने लगे, हल्का हो जाए, इसका मतलब आपका चावल पककर बिल्कुल तैयार है। तो इसको बीच बीच में आप चेक करते रहिए। तो देखिए धीरे धीरे हमारे पानी में जो है उबाल आ रहा है और चावल जो है ऊपर की तरफ आने लगा है, हल्का हो गया है, इसका मतलब हमारा चावल पककर बिल्कुल तैयार है। इसको चेक कर लेते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम इसे छान लेंगे। छान कर हम इसका पानी जो है उसको निकाल देंगे और चावल को हम इस छन्नी में इकट्ठा कर लेंगे और इसको हम इस छन्नी में ही थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने देंगे। और तब तक हम बाकी तैयारी कर लेते हैं। तो बाकी तैयारी करने के लिए एक कढ़ाई में मैंने यहाँ पे ले लिया है करीब 6 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल। इसको थोड़ा सा हम गर्म कर लेंगे और अब इसमें मैं डाल दूंगी 2 बड़े चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन। इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। आपने इसको ब्राउन नहीं होने देना है, बस इसका कच्चापन चला जाए उतना ही आपने इसको पकाना है। और अब इसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगी 1/4 कप हरा मटर, 1 गाजर जिसको कि मैंने बारीक चॉप किया है, चॉप किया हुआ शिमला मिर्च, यहाँ मैंने 1 शिमला मिर्च का यूज़ किया है, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। और आखिरी में बंद गोभी जिसको कि मैंने एकदम पतला पतला महीन काट लिया था, उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब एकदम हाई फ्लेम में हम इन सब्जियों को थोड़ी देर के लिए सॉटे करेंगे। आपने इसको टेंडर नहीं होने देना है, इसका थोड़ा सा क्रंच रहना चाहिए। और चाइनीज़ बनाते वक्त आप एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आपने सारी सब्जियों को एकदम हाई हीट में पकाना है, लो फ्लेम में नहीं पकाना है। सब्जी का क्रंच रहना चाहिए, वो टेंडर नहीं होना चाहिए। और अब मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 छोटा चम्मच नमक, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। अच्छे से इसको भी हम सॉटे कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा इसमें। और इनको थोड़ा सा सॉटे करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे तैयार किए हुए चावल। चावल देखिए बहुत अच्छे से हमारे पककर तैयार हुए हैं। एकदम सारे ग्रेन्स जो हैं वो आपको अलग अलग नज़र आ रहे होंगे। अच्छे से हम इन सबको आपस में मिक्स कर लेंगे। देखिए ऑलरेडी कितना अच्छा लग रहा है हमारा ये फ्राइड राइस, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दिखने में। सारे वेजिटेबल्स इसमें, इसका कलर जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है चावल के साथ। तो अच्छे से आपने इनको हल्के हाथों से आपस में मिक्स कर लेना है। और अब मैं इसमें डालूंगी डार्क सोया सॉस 1 बड़ा चम्मच और पानी 1/4 कप। पानी डालने से क्या होगा कि जो चावल के ग्रेन्स हैं वो टूटेंगे नहीं। तो चाइनीज़ राइस में ये बहुत ज़रूरी है कि जो ग्रेन्स हैं वो बिल्कुल एकदम सिंगल रहने चाहिए, वो टूटने नहीं चाहिए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसमें थोड़ा सा पानी डालें और एकदम हल्के हाथों से आप इनको मिक्स करें। आपने बिल्कुल इनमें थोड़ा सा भी प्रेशर नहीं डालना है। और इसी तरह से हल्के हाथों से इसको मिक्स करते हुए हम हाई हीट पर इसको करीब 1 मिनट के लिए और पका लेंगे। और अब मैं इसमें डाल दूंगी चॉप किए हुए ग्रीन अनियन, इसको भी हम हल्के हाथों से इसमें मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा वेज फ्राइड राइस बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए जी, हमारे दोनों डिश बनकर बिल्कुल तैयार है, इनको सर्व कर लेते हैं। तो आज मैं इनको थोड़े से स्टाइलिश तरीके से सर्व करने की सोच रही हूँ। आई होप आई सक्सीड इन दैट, फ्लॉप ना हो जाए कहीं केस। तो इसके लिए मैंने एक बड़ा बोल ले लिया है और बीच में मैंने एक कटोरी रख दी है और जो भी साइड में जो गैप है उसको मैं फ्राइड राइस से अच्छे से भर दूंगी। बहुत अच्छे से आपने इसको भर लेना है। और पूरे गैप को राइस से अच्छे से भरने के बाद अब हम इसे ऊपर से अच्छे से प्रेस कर लेंगे। बहुत अच्छे से आपने इसको दबाना है। और हम लेंगे सर्विंग प्लेट और इस बोल को हम इस सर्विंग प्लेट के ऊपर उल्टा कर देंगे। बहुत केयरफुली आपने ये करना है। बोल को आपने अच्छे से पकड़ के रखना है, होल्ड करके रखना है। और अब हम धीरे से बहुत केयरफुली बोल को उठाएंगे और फिर बीच की कटोरी को भी आप हटा देंगे। बहुत केयरफुली आपने ये काम करना है। और ये देखिए कितना प्यारा ये शेप बनकर तैयार हुआ है, एकदम परफेक्ट लग रहा है। और ये बीच में जो सेंटर में जो गैप बना है इसको हम हनी चिली फिश से भर देंगे।
वो कहते हैं ना, यू ईट विद योर आईज फर्स्ट। तो अगर आप अपने खाने को, अगर वो नॉर्मल खाना भी हो, सिंपल खाना भी हो, अगर आप उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करें ना, तो खाने का स्वाद और दुगना हो जाता है। तो दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का मेरा ये प्रेजेंटेशन आपको कैसा लगा। और अब मैंने यहाँ पे गाजर के राउंड स्लाइसेस काट लिए थे, तो उसको मैं इस तरह से साइड में सजा दूंगी। तो देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है। आप इसे ऐसे ही गर्मा गर्म सर्व कीजिए। ये एकदम परफेक्ट फैमिली मील है। इसके साथ आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप इन रेसिपीज़ को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरे घर में तो ये अक्सर वीकेंड स्पेशल मील होता है। मेरी फैमिली को ये बहुत पसंद है। तो एक बार आप ही अपनी फैमिली के साथ ये रेसिपीज़ बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए जल्दी से इसे टेस्ट कर लेते हैं। मैं तो फिश नहीं खाती हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी को बोलूँगी इसको टेस्ट करके इसका फीडबैक देने के लिए। मैं आपको फ्राइड राइस का फीडबैक दूंगी। तो चलिए फटाफट इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। और मेरी बेटी कह रही है कि मम्मा ये रेस्टोरेंट से भी बढ़िया बना है। तो इससे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट एक माँ के लिए और क्या हो सकता है। तो आप भी एक बार इन रेसिपीज़ को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। मैंने ये फ्राइड राइस टेस्ट किया, ये बहुत ही अमेजिंग बना है। एकदम सिंपल रेसिपी है, झटपट बनकर तैयार हो जाती है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको आपको बनाना सिखाया है। तो आज ये हनी चिली फिश और वेज फ्राइड राइस की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करते रहें, ताकि ऐसे ही अमेजिंग रेसिपीज़ मैं आप सबके साथ शेयर करती रहूं। तो जल्दी ही मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।